close till I get up. Time is barely on our side. Good morning, everyone. I am Anirudh Kumar Maurya from Hari Mai International School. Today's Navani chapter in class 5th and fractions. ठीक, आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न. ठीक, फ्रैक्शन को कहते हैं द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड फ्रैक्शन. जहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर कभी भी क्या ना हो, जीरो ना हो. चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या है, किस तरीके से. तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब एफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी जो ऊपर का होता है उसको क्या बोलते हैं. जैसे भी कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू दे रखा है 3/2. तो यहाँ पे जो ये 3 होगा ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये जो 2 है ये इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है, तो ये 3 आपका क्या है, न्यूमरेटर, और 2 डिनोमिनेटर है. इसको हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं शायद अंश, इसको बोलते हैं अंश, और ये बोलते हैं हर. ठीक, हालांकि इसको आंसर आप मत समझो, ठीक है, आप इंग्लिश में ही देखो. ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी ये क्या है, ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है. और वहां पे कभी भी, यानी फ्रैक्शन कोई भी कंप्लीट करने के लिए, जैसे ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कि 3/0, तो इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो. ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा. क्या नहीं कहलाएगा? फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब हम जानते हैं कुछ फ्रैक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन. कौन सा होता है, लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, तो ये चीज हमको समझनी है. फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, यानी इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर. ठीक है, जो लाइक फ्रैक्शन होंगे उनका क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर्स होगा. ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे. जैसे अब हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा है 3/5, 8/5, फिर क्या जाता है 2/5. तो ये देखिए इसमें डिनोमिनेटर क्या है, तीनों में सेम है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5. और कभी भी हम क्या करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी जो लाइक फ्रैक्शंस होंगे वही ऐड और सबस्ट्रैक्ट होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर्स ऐड नहीं होंगे. यदि उनको करना पड़ेगा तो हम आगे बताएंगे, उनमें एलसीएम लिया जाता है ऐड करने के लिए. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. अब इसके बाद में कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. अच्छा, इसमें क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन में, तो अनलाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर क्या हो, कुछ भी हो, अलग अलग हो सकता है. ठीक है, तो इनमें क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, जैसे कि लिखा है 3/5, दूसरा क्या है 2/8, फिर इधर क्या हो जाएगा 6/5, ठीक 9/2. तो इस तरीके के जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या कहलाएंगे. अब यहाँ पे हम एक जैसा नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखो तीनों या चारों में नंबरों में क्या है, फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. ठीक है, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. अनलाइक फ्रैक्शंस के बाद में अब हम जानते हैं यूनिट फ्रैक्शन, किसकी बात करेंगे, यूनिट फ्रैक्शन की बात करेंगे. अच्छा, यूनिट से ही पता चल रहा है, मतलब क्या, यूनिट सिंगल. ठीक है, तो यूनिट यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो. अब इसमें बात कर लेंगे न्यूमरेटर की,
न्यूमरेटर सेम, जिसका न्यूमरेटर सेम हो वो क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। नहीं सॉरी, यहां पे सेम नहीं होगा, क्या होगा यहां पे, न्यूमरेटर्स ऑलवेज वन, ऑलवेज वन, ठीक है। न्यूमरेटर क्या हो, हमेशा वन हो, वो क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 1/8, 1/7, 1/5 और 1/12। तो देखिए सभी में क्या न्यूमरेटर वन है, तो ये क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, कितने बताए हमने, पहला तो बताया आपको कौन सा, लाइक फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें क्या है डिनोमिनेटर अलग अलग थे। अब हम थर्ड जो बताया आपको कौन सा बताया, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा हमेशा वन ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं, अभी और एक दो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। बेसिकली बात करें जाए तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, बाकी होते और भी हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को कितने पढ़ने हैं, 5। हाँ, तो हम क्या बताने वाले थे, जैसे इसके बाद जो थर्ड हम आपको बता रहे थे, वो थर्ड नहीं फोर्थ, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अ फ्रैक्शन हूज न्यूमरेटर, हूज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जिसका न्यूमरेटर, ये क्या होते हैं न्यूमरेटर, और ये क्या होता था डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो आपका था प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, इसमें जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर ग्रेटर कर दीजिए और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 15/ कितना हो जाएगा, 6, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, 21/5, ठीक। और एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 36/7, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूमरेटर क्या है, ज्यादा है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अच्छा चलो, एक और होता है जो आपके साथ बुक में नहीं दिया है, या हम अपनी तरफ से आपको बताए दे रहे हैं, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। वो होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, वो भी बता देते हैं आपको। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे 2 whole 5/8, ठीक है, 2 whole 5/8, या कह सकते हैं 3 whole 6/5, इस तरीके के नंबर दिए होंगे आपको, जहां कहीं भी दिखे वो समझ लो कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, एक होता है होल नंबर, और दूसरा किसका कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा जो आपका होता है वो होता है फ्रैक्शन, ठीक। क्या होता है दूसरा, फ्रैक्शन। तो होल नंबर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर के जो बनता है वो क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ चीजें कभी कभी नहीं आती फिर भी समझना पड़ता है, नहीं आते हैं तो उसको बार बार देखना पड़ता है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हमको जो एक्सरसाइज 7.1 है, तो 7.1 में क्या है, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा या समझा होगा तो शायद फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है शायद, ठीक है। तो कुछ बच्चों को समझ में आया होगा वो तुरंत जवाब देंगे, और जिनको नहीं समझ में आएगा, फ्रैक्शन हूज वैल्यू इज लेस, फ्रैक्शन हूज वैल्यू इज लेस, यानी जिसका फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन पूरा लिख देते हैं, लेस देन वन, लेस देन वन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फ्रैक्शन,
अब देखो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या है, हुज वैल्यू इज लेस देन वन, वन से क्या हो, कम हो, ठीक, वह फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, बताओ बताओ बताओ, किसको समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, वन से कम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? नहीं मालूम, हम बताएं? ठीक है, हम ही बता देते हैं, वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अभी ये समझ नहीं आया होगा ना, हम बताते हैं, समझाते हैं आपको कैसे आएगा। क्या होता था, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता था किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे लिखा है 5/6, ठीक है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता था ना, होता था, ठीक, तो ये क्या होता था, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता था, अब इसको क्या कहता था, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या है, वन से कम आए, ठीक, वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो कैसे आएगा, तो इसको डिवाइड कराते हैं, 6 से 5 को डिवाइड कराइए, और डिवाइड कराने के बाद में हम चेक करेंगे कैसे। अब क्या ये 6 से 5 डिवाइड हो जाएगा, बताओ भाई, हो जाए तो बताओ कैसे करोगे, नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ जीरो लिखा, पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब 6 का टेबल पढ़िए, 50 से कम आना चाहिए, तो 6 8 जा कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, बचा कितना, 2, अब यहाँ पॉइंट लगाइए, फिर जीरो लगाएंगे, अब कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है, आप इधर कितना बचा, 2, वो बार बार 3 3 3 3 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो देखो 0.833, यानी ये क्या आई, वैल्यू हमेशा क्या आई, 1 से कम आई। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज हमेशा 1 से कम आएगी, शायद अब समझ में आया होगा ना, डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ जिसकी वैल्यू हमेशा कम होगी 1 से, प्रॉपर, कौन सा, प्रॉपर, ठीक, चलो आगे देखें। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा जो है फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, अरे वाह, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, भाई स्पेलिंग हो सकता गड़बड़ हो जाए क्योंकि हमें इतनी ज्यादा स्पेलिंग से याद नहीं रहती, भूल जाते बहुत जल्दी। तो फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स, भाई बताते रहना तुम लोग, सही है, ठीक है, आर कार्ड, सही है, आर कार्ड, ठीक है, एन है भाई, इस लिखा हुआ समझ जाओ हमारी लैंग्वेज, डिनोमिनेटर्स आर कार्ड, यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन होगा आप बताओ, कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 5.2 8.2, ठीक, 3.2, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहोगे भाई, अभी तो पढ़े हो आप लोग, क्या होगा, नहीं मालूम, बताते हैं, लाइक फ्रैक्शन, ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीजें, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन होंगे, कौन से, अच्छा डिनोमिनेटर जिसके डिफरेंट होंगे, वन लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, चलो कोई नहीं, एक और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन फ्रैक्शन, मान लेते हैं ये कोई फ्रैक्शन है, कौन सा है, 7/8, 7 इज द, बताओ क्या है, 7 इज द एंड 8 इज द, ये तो बहुत ही जी है, नर्सरी के जी के बच्चे बताएंगे, ठीक है, 8 इज द, बताओ 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 बताओ, कौन बता रहा है, कोई नहीं बता रहा, हम बताएंगे, ठीक है, तो पहला क्या होगा, 7 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, ठीक, ये क्या होगा, 8 डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर, ठीक, ये न्यूमरेटर, 7 और 8 क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे कि वीडियो लंबा ना हो, बट कभी कभी हो जाता है,
तो कहो तो आगे का हम ब्रेक ही कर देते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ रेड वाला बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।